नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है और इस क्वेश्चन में है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यहां पर हमने दो क्यूब बनाए, इस दोनों क्यूब का जो वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी है और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। पहले आपको क्या करना है, इसकी साइड पता करनी है। पहले साइड पर कर लेते हैं, तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। देन आप 1h पता करें, 1h ऑफ सच क्यूब इज इक्वल टू क्यू रूट ऑफ वॉल्यूम। तो क्यू रूट ऑफ वॉल्यूम कितना हो गया, 64 हो जाएगा अंडर रूट 3 का, और यहां पर हो जाएगा ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे होगा, यहां पर ये हो जाएगा 4 4 जा 16 4 जा 64, और इस 3 का सेट आ जाएगा बाहर 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये भी 4 हो गया, यहां पर ये भी 4 है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, यहां पर ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, इन दोनों को ऐड करने पर ये क्यूबॉइड का फॉर्म आता है, तो क्यूबॉइड हो जाएगा यहां पर 4 प्लस 4, ठीक है ना, तो जाएगा यहां पर 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना जाएगा, ये तो 4 ही रहेगा, यहां पर ये 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, और इसकी हाइट भी कितनी होगी, हाइट भी जो होगा वो 4 सेंटीमीटर, केवल लेंथ इंक्रीज होगी, विड्थ और हाइट वैसे की वैसी ही रहेगी। यहां पर आपको पूछा गया कि फाइंड द सरफेस एरिया, देन सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। फॉर्मूला क्या होता है, 2lb प्लस 2bh प्लस bh lb bh प्लस hl। ठीक, अब देखो 2l कितना है हमारे पास, 8 हो गया, 8 × 4 प्लस यहां पर ये 4 × 4 होगा, प्लस यहां पर 4 × 8 हो जाएगा, तो 2 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। टू अब इसको ऐड कर लेते हैं, 2 6 8 8 2 10 कैरी 1, 3 1 4 4 1 5 5 3 8, और 82 जा कितना जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड होगा उसका जो सरफेस एरिया आएगा वो क्या होगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया होगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉचिंग।